हेलो। सबसे पहले तो एक चीज़ सुनो, जो पिछली वीडियो थी ना, उसमें हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड किया था ड्यू टू कंडक्टिंग शीट, ये कंडक्टिंग के लिए नहीं है, ये नॉन कंडक्टिंग के लिए है। ठीक है, तो बस हेडिंग में कंडक्टिंग की जगह क्या करना है, नॉन कंडक्टिंग। अच्छा, अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है तो जो चार्ज है वो बाहर नहीं आएगा। समझाया था, नॉन कंडक्टिंग शीट को जहाँ चार्ज देते हैं वहीं रह जाता है, तो बस चार्ज किधर आएगा, अंदर। बाकी किसी प्रकार का कोई कोरिजेंडम नहीं है। अच्छा, तो फिर ये हुआ कैसे, ये कोरिजेंडम कैसे हुआ? देखिए, ये कोरिजेंडम ऐसे हुआ कि नॉन कंडक्टिंग शीट, मैं चलो एक शीट बनाता हूँ, मान लो ये कोई, चलो यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, ये कोई नॉन कंडक्टिंग शीट है, इसके अंदर आपने कोई चार्ज दिया तो वो डेफिनेटली चार्ज है वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, अगर वो इस शीट पे बाहर आता है ना, तो फिर उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हम, इसका, इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, उसमें सिर्फ ये इधर वाला पोर्शन इन्वॉल्व होता, इस तरफ तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो फील्ड कितना हुआ, जीरो। बट यहाँ तो हमने इधर भी फील्ड दिखा दिया और इधर भी फील्ड दिखा दिया। अगर हमने दोनों तरफ फील्ड दिखा दिया तो वो हमने क्यों दिखाया, वो हमने इसलिए दिखाया कि ये नॉन कंडक्टिंग शीट होती है ना पतली सी, इसको जहाँ पर चार्ज दोगे वहीं ठहर जाएगा। अब ये पतला सा चार्ज है, ये इधर भी तो फील्ड लगाएगा और इधर भी फील्ड लगाएगा, ठीक है। अगर यही नॉन कंडक्टिंग शीट होती तो इस पूरे के अंदर ठहरता चार्ज हर जगह, और अगर इसकी हम कोई शीट काटते छोटी सी तो उस शीट के अंदर पूरी के अंदर चार्ज होता। बट अगर यही शीट है, इसको अगर कंडक्टिंग होती तो इसका चार्ज सरफेस पे आ जाता, और उस कंडीशन में अगर हम यहाँ से शीट काटते तो कोई चार्ज, कोई फील्ड नहीं होता। ये वाली शीट काटते तो इसके कारण इधर तो फील्ड होता बट इधर कोई फील्ड नहीं होता। तो ध्यान रखो कि जो कंडक्टिंग शीट होती है उसके कारण तो एक ही तरफ फील्ड लग सकता है, और यहाँ दोनों तरफ लग रहा है तो पक्का पक्का ये किसका है, नॉन कंडक्टिंग का। तो देट वॉज ए शॉर्ट कोरिजेंडम एंड सॉरी ऑन माई बिहाफ ऑल्सो, ठीक है। आगे देखो, अब करते हैं जो करना चाहिए था, जिसकी हेडिंग लिखी थी, जिसकी भूल में कुछ और कर गए वो, यानी कौन सा, अब कर रहे हैं कंडक्टिंग, ठीक है। देखो, अगर इसकी बात करते हैं आगे, सुनो, सबसे पहले, हाँ सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चल नहीं रहा है, मैं इंक फिल कर दूँ, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। सेटिंग,
ओके, अब करते हैं, सुनो। सो अब देखो हमारा मार्कर कितना मस्त चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कौन सा? कंडक्टिंग शीट। ठीक है, अच्छा जी, अगर कोई कंडक्टिंग शीट है उसको अगर आप कोई चार्ज दोगे, सबसे पहले डायरेक्शन निकालनी थी ना, हाँ, तो ये कोई कंडक्टिंग शीट है, अगर इसको आप चार्ज दोगे तो ये चार्ज एक तरफ सरफेस पे आ जाएगा और दूसरी तरफ है वो बिल्कुल आइसोलेटेड रहेगी, उधर इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, अब सुनो, हमें इसके कारण कोई पॉइंट पी है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, इससे इस डिस्टेंस पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो बस वही, हम एक छोटा सा पोर्शन यहाँ लेते हैं ds, हम एक छोटा सा पोर्शन यहाँ लेते हैं ds, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये इसको इधर दूर भगाएगा, ये इसको इधर दूर भगाएगा, ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा। सेम स्टोरी अगेन, इधर इकोस थीटा, इकोस थीटा, इसके कारण ऊपरी साइन थीटा और इसके कारण नीचे साइन थीटा, ई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और जो रिजल्टेंट आपका आता है वो किस में आता है? वो आता है ई कोस थीटा के। कर लोगे इसको पक्का? अब सुनो, आगे बात करते हैं। तो अगर ई साइन थीटा के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो जो डायरेक्शन आया वो क्या आया? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इन द टर्म्स ऑफ ई कोस थीटा। ठीक है, चलो सी, अब क्या निकालनी है? अब निकालनी है वैल्यू। सो हेयर वी गो फॉर वैल्यू। अगर वैल्यू की बात करें तो ये देखो, आप मान लो कि ये वो शीट थी, इधर इसके कोई फील्ड नहीं है बिकॉज इट इज कंडक्टिंग शीट, इधर इधर ही इसके फील्ड है। मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो के शुरू में ही, जब मैंने कोरिजेंडम बताया था आपको कि हमने कुछ मिस्टेक किया है पहले वाली वीडियो में, क्या मिस्टेक किया था एट्सेट्रा एट्सेट्रा, है ना, वो मैंने बताया था। एक चीज़ और भी, ये कंडक्टिंग शीट का कर रहे हैं ना, अगेन मिस्टेक करने जा रहे थे, चार्ज अंदर मत लगाना कंडक्टिंग में भूल के भी। चार्ज अंदर किस में लगता है? नॉन कंडक्टिंग को दिया चार्ज वहीं रह जाता है, कंडक्टिंग को दिया हुआ चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाता है। वैसे ये भी सरफेस पे ही है, ठीक है। एक बात बताऊँ, देखो ये क्यूब था असल में, है ना, ऐसे सीटें नहीं कटती, शीट ऐसे कटती है। ये क्यूब था, इसके अंदर खूब सारा चार्ज था और ये क्यूब तो था कंडक्टिंग, और ये सारा, ये भी क्यूब था, इसके पास भी बहुत सारा चार्ज था, बट ये था नॉन कंडक्टिंग, ये थी, ठीक है। अब सुनो, ये सारा चार्ज है ये यहाँ टिक ही नहीं पाया, ये सारा चार्ज है ये कहाँ आ गया? सरफेस पे आ गया, अंदर टिक ही नहीं सका, ऐसे, मतलब ये सरफेस है ये, ठीक है, सरफेस पे, अंदर नहीं टिक सका। अब सुनो, अब हम कोई शीट काटते हैं इससे, अगर हमने यहाँ से अंदर से कोई शीट काट ली तो हम कोई चार्ज ही नहीं मिलेगा, तो शीट तो हमें ये काटनी पड़ेगी और ये शीट है ये सिर्फ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी, बाकी इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। तो वैसे तो सही है, देखो ये चार्ज यहाँ पे दिखा रखा है,
बट बुक्स के अंदर लोग करते क्या है, अगर यहाँ ही कंडक्टिंग में दिखा दिया और यहाँ ही नॉन कंडक्टिंग में दिखा दिया तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो उन्होंने फिर किया क्या, उन्होंने नॉन कंडक्टिंग की एक पहचान बना ली, उन्होंने कंडक्टिंग में चार्ज यहाँ दिखाना स्टार्ट कर दिया। आप समझ गए होंगे कि ये चार्ज यहाँ का मतलब है यहाँ ही, पर कंडक्टिंग के अंदर नॉन कंडक्टिंग से थोड़ा सा फ़र्क है, वो फ़र्क उसने बताने के लिए ये किया। इसमें कहीं से सीट काट लो, यहाँ से काटो यहाँ से, क्योंकि इसमें हर जगह चार्ज रुका हुआ पड़ा है, तो आपको ऐसी एक सीट मिलेगी। तो अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो फिर कंडक्टिंग को ऐसे दिखाना मजबूरी है। आप सुनो, ओके, सो आगे बात कर, आगे अगर बात करें तो ये कंडक्टिंग शीट थी। अब देखो, इसके इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो जो सरफेस मानेंगे जिसमें इसको एनक्लोज करेंगे वो बड़ी वाली, वो ऐसे मानेंगे, ऐसे। और इस सरफेस के कारण जो गाउस लॉ लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, फ्रॉम गाउस रूल। वो गाउस रूल तो यही होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा सारे क्यू को जोड़ के हमने ये मान लिया कितना चार्ज है, क्यू ही है, ठीक है, ये फाई है, और फाई भी कौन सा है, नेट है। हाँ, अब सुनो, अब इसमें इसको तोड़ लो, तीन सरफेस बनाओ, एक तो ये वाली सरफेस ऐसे ऊपर की तरफ, एक ये वाली सरफेस जो इस सीट के अंदर है डी एस टू, और एक ये वाली सरफेस जो यहाँ बाहर है डी एस थ्री। तीनों सरफेस के लिए तोड़ लो, ई डॉट डी एस वन प्लस में ई डॉट डी एस टू प्लस में ई डॉट डी एस थ्री, और इज इक्वल टू अपना क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो, यहां बात करते हैं, हमने जब डायरेक्शन निकाल ली थी तब हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ही क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर मैं अगर यहां बात करूं डी एस वन पे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे होना चाहिए ना, बिल्कुल सीधा ऐसे, बट डी एस वन किधर निकलेगा, कट के ऊपर की ओर निकलेगा, यानी ये एंगल इनके बीच का कितना होगा, 90। तो इंटीग्रेशन ई डी एस वन और इनके बीच में कोस है वो कितना होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन, दूसरा है ये वाला पार्ट। यहाँ देखो, क्या एक चीज बताओ, क्या कंडक्टिंग शीट के अंदर चार्ज ठहर सकता है, नहीं ठहर सकता। अगर कंडक्टिंग शीट के अंदर चार्ज ही नहीं ठहर सकता तो उसके अंदर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, तो कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, जीरो। तो दूसरे वाले में ई डी एस टू ये जीरो, तीसरे वाले में इंटीग्रेशन ई का ई, अब देखो तीसरी ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस इधर ही होगा और डी एस थ्री भी इधर ही होगा, तो ई डी एस थ्री और कोस कितना, जीरो, और इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये 90 के कारण जीरो, ये जीरो के कारण जीरो, मतलब ई जीरो के कारण जीरो, बस ये बचा है ई डी एस थ्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ई बार आ गया, डी एस थ्री का हो गया एस थ्री, इसको फिर एस सी मान दो, एस थ्री को एस थ्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है। चलो एक बार यहाँ एस थ्री लिख देते हैं, आगे लिख देंगे ई एस इज इक्वल टू, बस वही काम, सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन में एस, तो क्यू कितना होता है, सिग्मा इंटू में एस, तो ई एस इज इक्वल टू क्यू की जगह सिग्मा एस और बटे में
एस से एस कैंसिल, ई कितना आया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। बस यही है, जो कुछ है यही है। बाय।